in-house officer, police station Rajbagh Inspector Manjit Singh and a SPO Rakesh Kumar were injured late Tuesday night after a party of bovine and narcotic smugglers in village Bhamberwan under the jurisdiction of Rajbagh Police Station in Kathua district attacked them and also tried to seize their weapon. कल रात अराउंड 11-12 बजे की बात है. रूटीन बॉर्डर पुलिसिंग का एक हिस्सा है कि हम पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग के दौरान अगर कुछ संदिग्ध हमें जानकारी कहीं से प्राप्त होती है तो हम उन जगहों पर जाके अपनी तलाशी करते हैं. तो ऐसे ही एक नॉर्मल सर्च का एक पार्टी गई थी. SHO साहब साथ थे और उनके साथ उनकी जो पर्सनल स्कॉट पार्टी है वो साथ थी. तो एक गाँव है भामबड़वा के पास, छोटा सा एक मोहल्ला है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी. जब अंदर गए तो वहाँ पे एक मॉब ने उन पर हमला कर दिया. तो उस मॉब में जो लोग थे उसमें से कुछ आइडेंटिफाइड हैं. एक उसमें मियाँ नाम से बड़ा प्रसिद्ध एक यहाँ का एलिमेंट है, बताया जाता है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, वी आर चेकिंग इट. और उसकी फैमिली ने और उसने और उसके साथ कुछ और लोगों ने मिलकर SHO के ऊपर हमला कर दिया. और उस हमले में SHO साहब का जो इंजरी है वो ग्रीवियस इंजरी है, ही इज़ गॉट इंजर्ड इन हिज हेड. उनको कई स्टिचेस आए हैं उसमें. साथ में जो SPO थे उसको भी इंजरी आई है. तकरीबन 9 स्टिचेस SPO को लगे हैं और 5 के आसपास SHO साहब को लगे हैं. कुल कितने लोग घायल हुए हैं सर पुलिस कर्मी से? देखिए, जो मेजर इंजरीज हैं तो ये 2 ही हैं, बाकी माइनर इंजरीज हैं उसको हमने रिपोर्ट नहीं किया है. सर वहाँ के क्या जो बताया जा रहा है कि कुछ सस्पेक्शन वहाँ के हैं नारकोटिक डिलीवरी, तो क्या इस टाइप का इश्यू था क्या कुछ? हमेशा वहाँ लोकल्स की इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं. बोवाइन स्मगलिंग के भी बहुत बार मामले वहाँ पर सामने आए हुए हैं. ड्रग्स रहा है, हम अलग अलग तरीक़ों से उनकी क्राइम में मुलव्वस थे. वो सारा मोहल्ला ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा मोहल्ला वो ख़राब है. ये एक आध घर हैं जिनको नॉर्मल तौर पे पुलिस वहाँ जाते रहती है, बट कल की क्योंकि दौरान गश्त एक स्पेसिफिक इनपुट मिली तो वहाँ पे जाना पड़ा. तो वहाँ पर जाकर ये जी वो ऐसा हुआ है. तो अब तक लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, उन कल्प्रिट को पकड़ा गया? इसमें तकरीबन 10 लोग नामजद हैं, FIR लगाई जा चुकी है और जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं 353, 307, और इसमें पुलिस का हथियार छीनने का भी कोशिश किया गया है. तो ये सारे सेक्शंस में FIR दर्ज है और तलाश उनकी जारी है. कुछ गिरफ्तारी नहीं है सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. मॉर्निंग में वहाँ पर मजिस्ट्रेट को ले जाके गिरफ्तारी बामल लाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर कोई मिला नहीं है, सारे फरार हैं.